This movie is encoded by Dr. Star. Havoc! एलेक्स, क्या हुआ? बस हो गया, जल्दी करो। मुझे पता है तुम ठिकाने लगा दोगे। हाँ यार, फेंक दिया। हाथ ऊपर करो, पीछे घूम जाओ, कार की तरफ घूम जाओ, अपने पैर फैलाओ। छोड़ दो मुझे। वकील ने क्या कहा? 3 से 4 साल लग जाएंगे। 3 से 4 साल? पहली बार तुमने ऐसा काम किया और तुम पकड़े भी गए। उनका कहना है कि कार वाला मामला कोई बड़ी बात नहीं थी, पर हमने जो पुलिस वाले उड़ा दिए, मुझे माफ कर दो। और अगर मुझसे कुछ बन सकता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें याद है माँ की मौत कब हुई थी? हाँ। तुम्हें याद है तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्या कहा था? मुझे याद है, तुमने कहा था चाहे जितना भी टाइम लग जाए तुम मेरे साथ रहोगे, और तुमने किया भी। हाँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है, पर आज मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से हिम्मत मिली। मैं बस ये चाहती हूँ कि इससे दूर रहो और सुरक्षित रहो। मैं ठीक हूँ।
तुम्हें पता है मैं फिर से स्कूल जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो कोई जॉब कर लेना, फिर मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। उसके बाद हम साथ में रह सकते हैं। हेलो, हे सैमंथा, कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ काम से। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। मुझे ये सब नहीं पता था वो ऐसा भी होगा। मेरा मतलब है, उसने कभी ऐसे बात नहीं की। मुझे पता है उसका क्या मतलब था। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। उसने कभी भी पहले लेटर नहीं लिखा था। लोग बदल जाते हैं। शायद वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, उसे किसी की जरूरत है बस। मुझे पता है तुम कल उससे मिलने जाओगे और तुम अगले हफ्ते मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मैं उसको साथ नहीं ले जा सकती। ऑफ कोर्स मैं चलूंगा। सब कैसा चल रहा है? शिट, मैंने तुमसे हर बार कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, ये मेरी जगह है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुड, सिर्फ 5 दिन और, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। हाँ, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे खुली हवा में जीना है, ये जगह बहुत बकवास है। अमोनिया की गंदी महक आती है यहाँ जैसे किसी हॉस्पिटल में आती है। कुछ दिन और। समंथा कैसी है? वो ठीक है, टेंशन में है, तुम्हें तो पता है, मगर ठीक है, ठीक है वो। तुमने बताया मैं ठीक हूँ? मैं हूँ ठीक है। अब जल्दी से खाना खा लेता हूँ, इससे पहले वो मेरे मुंह में जबरदस्ती डाले। मिस्टर पॉल, मुझे अच्छा लगा कि तुम बाहर हो, सच में अच्छा लगा। तुम्हें पता है दोस्त का चेहरा देखकर खुशी मिलती है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें टच में रहना होगा मेरे फ्यूचर एम्प्लॉइज के साथ। ये क्या बकवास है? वेल मैम, ये लकड़ियों के टुकड़े हैं, इसे आपने ही कहा था यहाँ फेंकने के लिए, याद है? हो सकता है, पर ये सब देखकर मुझे अब गुस्सा आ रहा है। वेल, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे इनको यहाँ डालने में बहुत ज्यादा वक्त लगा है। नहीं, मुझे यकीन है ये सब बहुत बकवास है। मुझे लगता है यहाँ पर फूल ज्यादा अच्छे लगेंगे। मुझे लगता है आपको क्या ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे रही हूँ, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। हाँ मैम, आपने मुझे बहुत पैसा दिया और आप कहेंगे तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। मुझे यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ चाहिए। यहाँ से कचरा उठाओ, ट्रक में डालो। मैं उसे कहकर आता हूँ कि हमारा दिन खत्म हो गया है और हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीक फ्लावर्स के लिए। ओके, ठीक है, बाद में मिलते हैं। और भाई, कैसा चल रहा है? वो खुश नहीं लग रही थी,
ठीक है, उसे अगले हफ्ते फोन करेंगे और पूछेंगे कि आना है कि नहीं। खड़ूस बुढ़िया, उसने अपना मन बना लिया है। उसने अपना मन बना लिया है। क्या बात है, तुमने देखा बाहर कितना मजा आता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो सच में। हे पॉल, कैसे हो? गुड सैम, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैं चाबियां लाना फिर से भूल गई, क्या दरवाजा खुला है? मैं पॉपकॉर्न और मूवीज पेन ड्राइव में लाई हूँ। और भी कुछ? See you, Paul. आज का काम कैसा रहा? अच्छा था। तो तुम्हें इस हफ्ते मिस्टर स्मिथ से मिलना है? जिम, क्या? मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी मिस्टर स्मिथ से इस हफ्ते मिलना है। चुप रहो समंता, फॉर गॉड सेक, मैं तुम्हारे मुंह से कितनी बार ये बकवास सुन चुका हूँ। मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी, मैं नहीं चाहती तुम इस बार भूल जाओ और कोई समस्या हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझ पे एक एहसान करो, मुझे मैगजीन पढ़ने दो। तुम्हें हो क्या गया ऐसा मन था? मुझे यहां अकेला छोड़ दो, मैं काम करके आराम करना चाहता हूं। हेलो, कौन है? क्या ये एमी बदमाश बोल रही है? क्या कर रही हो, हंस रही हो? स्कूल कैसा रहा तुमने? वाव, लकी यू, दैट्स ग्रेट। क्या तुम्हारी मॉम है वहां? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? ओके। हे, कैसी हो? नहीं, मैं कल आ रहा हूँ। कितने बजे? ओके। नहीं ठीक है, नहीं मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, साथ में खाना खाएंगे, घूमेंगे, तो मुझे लगता है कल मिलते हैं। ओके गुड। वेट, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? आर यू श्योर? ओके ठीक है, तो मैं कल मिलता हूँ। ओके, यू टू, बाय बाय। वो कैसा है? वो ठीक है सैम, नो मतलब तुम्हें पता है वो कैसा है, बदमाश बचपन से ही। मुझे पता है, वो कुछ अलग ही है। अपने पैर टेबल से नीचे करो।
तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। मेरे पास उसके लेटर्स हैं, वो काफी मुझे कभी समझ में नहीं आता मैं उससे क्या कहूँ। बुरी रात। फार्मिंगडेल में रहना पसंद करोगे? मुझे पसंद है, वो एक कंट्री क्लब की तरह है। पिछले कई हफ्तों से वो शराब पीकर घर आता है और कहता है उसे पता नहीं वो कौन है और उससे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। वो कहता है कि जब से वो बाहर आया उसे डर लगता है और वो रोने लगता है। तुमने एक अपॉइंटमेंट खो दिया है, मैं बोर्ड वालों को सलाह दूंगा, वो तुम्हें वापस फ्री में टिकट देंगे। वो मेरी गलती थी, मैं वापस यहाँ आ गया, अब मुझे बचा लो। वो कभी कभी काफी गुस्सा हो जाता है, वो चीजों को फेंकने और तोड़ने लगता है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। काम करना चाहते हो? फुल टाइम। इस हफ्ते मैं तुम्हारा सारा काम देखना चाहूंगा। जिम, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, इसे मत खोना। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जाओ। हे मिस्टर स्मिथ, जरा अपनी कार की चाबी देना, मुझे डेट पर जाना है। नहीं? ओके। अंकल बॉब। हे, ये मेरे लिए है। वेल, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। मुझे मिलना है एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची से। क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। हे जो। हाय। उन सब बच्चों की तरफ देखो, तुम तो पागल हो जाती होगी। हाँ, तुम्हें नहीं पता मैं सुबह 6 बजे से लगी हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी जलन नहीं होती। तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? कुछ काम तो होगा। वैसे कुछ ही देर में मैं केक बनाकर रेडी करने वाली हूँ। क्या तुम फ्रिज से सामान निकाल कर टेबल पे रख दोगे? श्योर, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा सफर कैसे रहा? हाँ, ठीक था। ओह शिट। वेल, मुझे देखो। मैं उन बच्चों से ज्यादा बचकाना हूँ। तुम्हारे लिए कोई और जींस ले आऊं या फिर मैं साफ कर दूं? नहीं नहीं, ठीक है, मैं अपने हाथ से साफ कर दूं। नहीं नहीं, उससे दाग नहीं जाएगा। नो नो, इट्स फाइन, मैं कर लूंगा। मैं कहा ना, चेंज कर लो। लाओ इसे मुझे दे दो, मैं भी इसे साफ कर देती हूँ। जरा कैंडल बुझा दो। क्या इस घर को चलाने का और कोई रास्ता नहीं है? मैं सोचती थी कि मेरी सैलरी से थोड़ी मदद मिल जाएगी, पर वो काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि ये कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब मुझे ज़्यादा काम करना होगा, पर मैं एमी के साथ वक्त नहीं बिता पाऊँगी। वो ये सब कैसे डील करेगी? जो को खुश करने से ज़्यादा ये कठिन है। कुछ नहीं, बस मुझे अपने लिए पोस्ट ऑफिस में काम ढूंढना होगा। इससे मुझे एक उम्मीद तो दिखाई दे रही है। हाँ, वेल, एक बार डेट सेट हो जाए तो तुम मुझे बता दो, मैं जिम को यहाँ बुला लूँगा, वो तुम्हारी मदद कर देगा। ओके, तो क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? आई एम गुड, गुड। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं कल मुझे बैंक से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे इतना दे दिया कि मैं एक नया ट्रक खरीद सकूं। तो हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। ग्रेट।
मुझे पता है तुम कर सकते हो, ये सच में अच्छा है। वेल, अब मुझे चलना चाहिए। थैंक्स फॉर द केक। यू वेलकम। ओह, तुम्हारी और एमी की एक फोटो लेना चाहती हूँ, एक फोटो। ओके okay, तुम उसे ले आओ, मैं कैमरा निकालता हूँ। एमी, जल्दी से बाहर आओ, अंकल पॉल बुला रहे हैं। थैंक यू अंकल पॉल, आप मेरे दोस्तों को पसंद आए। वेलकम स्वीटहार्ट। ठीक है, अब हम कहाँ खड़े रहेंगे? कैसा रहेगा, तुम लोग वहाँ खड़े रहो और मैं तुम लोगों को बाद में ज्वाइन करूँ? यहाँ पर। ओके, जिल एमी के बाजू में खड़ी रहो। गुड। ओके, होल्ड करो प्लीज। गुड। ओके, कोई हिलेगा नहीं। ओके, से एमेडो। अंकल पॉल अच्छे हैं। अपना केक मत भूलना। ठीक है। ओके, अंदर जाओ और घूमने के लिए रेडी हो जाओ। हम क्या करेंगे जिम? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम कभी भी उसके बारे में बात नहीं करते। तुम जब देखो तब उसी के बारे में बात करती रहती हो। हमें हमारे घर को चलाने के लिए बात करनी ही होगी। तुम सिर्फ इस बात को टालकर शराब पीकर आराम से सो जाते हो, पर ऐसे घर नहीं चलता। तुम किसी से जाकर मिले। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ नहीं। हे, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना और वहां तहस नहस मत करना। आज रात का तो हो गया। वो तो तुम्हें पता है। रात के 9 बजे ही तुम बेड पर सोने चल दिए। चलो कुछ धमाल करते हैं, कुछ पागलपंती करते हैं, जैसा हम करते थे। लेकिन करेंगे क्या? हाँ, कुछ शायद कार की बैटरी या कुछ मिल जाए। यहाँ से बाहर चले जाओ। तुम्हें पता है मिस्टर स्मिथ तुमसे बात करके खुश होंगे, उन्हें कॉल लगा दो। मुझे मिल गया। हाँ, तुम्हें पता है कि वो जॉनसन कितना बड़ा कमीना है? मेरा मतलब हमेशा घटिया काम करके हमें फंसाता है, याद है? क्या ट्रिप थी वो। हाँ तो क्या, चलो उसके साथ कुछ करते हैं। क्या? चलो ठीक है, पिछली बार की तरह नहीं, इस बार मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? वो पिछली बार मेरे घर के पीछे से बड़ी आराम से कार निकाल कर ले गया, हर बार की तरह। वो भी सिर्फ 5 किलोमीटर की रफ्तार से। पर इससे कुछ नहीं होता यार, उसे अपनी प्रेमिका की याद आती थी या कुछ और। मुझे नहीं लगता अब वो ऐसे करता होगा। वो कार धीरे चलाता है तो क्या? उसने सारी दारू अकेले हजम कर ली थी। हाँ, क्या तुम पिछली बार भूल गए? वो बहुत दिनों पहले की बात है। तो क्या हुआ, क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहते? चलो भैया बताओ, उसने हमारी वाट लगा दी थी, तुम नहीं चाहते कि हम उसकी वाट लगाएं? That was pretty funny. मगर वो अलग बात थी, वो हैलोवीन था। देखो, हमें जैसे एक साथ वैसा ही करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चलो भूल जाओ, सच में तुम सब कुछ भूल चुके हो। ओके ओके बेवकूफ, लेट्स डू इट। ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम मान जाओगे। ऑल राइट, हम लेके चलते हैं। मैं पी रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? जरा मुझे कुछ और बियर देना। हे, अब क्या? तुम सच्चे मर्द हो। तुम ये क्या कर रहे हो, बंद करोगे? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, 10 पाउंड्स है, मेरे ख्याल से मेरे पास सब कुछ है, दिखाता हूँ। देखो। ऑल राइट, एक मिनट, मैं फोन लेके आता हूँ। रुको, वो समानता ही होगी, उसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वो नौकरी या घर चलाने की बात करेगी। ऑल राइट, लेट्स डू इट, मुझे दो। क्या बात है,
पागल हो तुम। काफी वक्त से हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत दिनों पहले। हाँ, हम दो बेकूफ आज फिर से निकले। अब देखना मजा आने वाला है, इससे प्रेशर बढ़ेगा। ऑलराइट, चलो अब मजे करते हैं। मुझे एक बियर दो। थैंक यू यार। हे, क्या तुम्हें याद है जेनिफर रिचर्ड, वो हाई स्कूल वाली मस्त आइटम? जेनिफर रिचर्ड्स ना? हाँ, वो जिसे हम उस गंदे होटल के कमरे में मिले थे। वो ठीक थे। हमसे क्या हुआ? क्या मैंने कभी तुम्हें बताया उसने मुझे सबसे पहले किस किया था? क्या, अच्छा मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ, उसने किया था। भाड़ में जाओ। कहाँ? इसका मतलब तुम इसीलिए यहाँ आए? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कोई आ रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताऊंगा अभी, रुको। शिट, ये वो नहीं है। तुम्हें यकीन है? हाँ, खींचो खींचो। आई गॉट इट। अपना सारा दम लगा देना। काम ढूंढ ही लिया तुमने। थैंक्स। तो अब क्या, वो कब मिलेगी तुमसे? हाँ, वो काफी पहले की बात है। ये सब एकदम बकवास। देखो, वो सितंबर की बात है, उसने मुझे कॉल किया था, मुझे याद है। और वो सॉकर, फुटबॉल सॉकर का सीजन चल रहा था आगे, और गेम खत्म होने के बाद जब सब चले गए तब उसने किया, ग्राउंड के बीच में, फील्ड के अंदर। हाँ। है? वो ग्राउंड के बीच में नहीं था, वो किसी तरह का ट्रैक था। हाँ। और वो डरी हुई थी कि कहीं कोई उसे देख ना ले। ये तो अच्छा था। बहुत बढ़िया। हाँ, वो अच्छा था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मुझसे बड़ी थी, 18 साल की, और मैं 14 का। राइट, बेबी सिटिंग गर्ल। हाँ। तुम पकड़े गए थे। उसका नाम क्या था? जिंजर? नहीं, जेनिस सैमर। जेनिस सैमर। तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ? क्या? मैं मर्द बन गया। क्या तुम सीरियस हो? मैं सीरियस हूँ। उसी रात ही मैं मर्द बन गया। हाँ, मैं तुमसे सच ही कह रहा हूँ। सुनो होशियार आदमी, मुझे लगता है वो नहीं है, वो शायद कहीं बाहर गया लगता है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम अभी कहीं नहीं जाओगे यार, रुक बताता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो कमीने। रुको रुको रुको। अरे जल्दी चलो।
संभल के आ जाओ। काफी पैसे इस जगह रखे जा सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? रात भर हम ऐसे नहीं भाग सकते। हाँ, हम आज यही रुक जाते हैं। बाहर जाने से अच्छा यही रुकना है। तुम कोई अच्छी पैंट पहन कर नहीं आ सकते थे? तुम्हें पता ना है वो कमीने बाहर ही हैं। कमीने। तुम्हें क्या लगता है? दिस इज नॉट फनी। तुम्हें आखिर वो लोग मर सकते थे आराम से। मैं जा रहा हूँ। क्या उसके बारे में भूल गया? हम उसे क्या कहेंगे? हाँ भैया, हमारा कैन वापस कर दो। हाँ नहीं, हम यही रुकेंगे और जब सब शांत हो जाएगा फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। समझ गए तुम? कम ऑन यार, तुम सीरियस नहीं हो राइट? चुप रहो, लगता है इस घर में कोई है। शिट। बाहर कौन था? कहीं कोई रैकून तो नहीं था? कहीं ये आवाज रैकून की तो नहीं थी? हाँ, मुझे भी यही लगता है, पर ये आवाज रैकून जैसी नहीं थी। मुझे जोर से मत खींचो बुढ़िया। पागल बुढ़िया। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? नहीं पता, एक बुढ़ा है और उसकी वाइफ है। ओके, अब क्या वो आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम सिर्फ चुप रहो, उन्हें नहीं पता हम लोग यहाँ हैं। मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें यकीन है तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, मैंने सुना था। हाँ, मैंने भी सुना था। जरा शेड के पीछे जाकर चेक करो। तो तुम्हें क्या लगता है? कुछ देर यहाँ शांति से छुपे रहो, वो कुछ देर में यहाँ चेक करके चला जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, तुम मुझे फालतू में लेकर आई हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। जाओ प्लीज, जाकर देखो, नहीं तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। मुझे जानना है वहाँ है कौन आखिर। ठीक है ठीक है, एक बार मैं देखकर फिर सोने चला जाऊंगा। क्या हुआ? वो वापस आ रहा है। कुछ दिखा क्या? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। शांति रखो, वो चला जाएगा। ओके। उसके हाथ में बैट है। वो इधर आ रहा है क्या? हाँ। कोई है वहाँ? क्या कोई वहाँ है? मैंने कहा क्या कोई वहाँ है? अब तुम मारे गए। मुझे नहीं पता, तुम बस थोड़ी देर खामोश रहो। कौन है वहाँ पर? हे सुनो, अगर वो इस डोर के पास आया तो हम उसे धक्का देके भाग जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। क्या पागल बने। अगर वहां कोई है तो मैं उसका सर तोड़ दूंगा। मैंने कहा जल्दी से बाहर निकलो। हम यहाँ आते गधे के बच्चे। रुको, रुक जाओ। चुप रहो बुढ़िया। रुक जाओ रुक जाओ। पागल बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या कर दिया मैंने? तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? हम तो सिर्फ मस्ती मजाक कर रहे थे। हे, तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम है? मैं ऐसा ही हूं। तुम एक बेवकूफ हो। सुनकर अच्छा लगा। मैं भी बेवकूफ था जो मैंने तुम्हारी बात मानी। हाँ हाँ। तो वो लोग दो थे है ना? यस। क्या आप उन्हें पहचान सकते हो? क्या आप हमें उनका हुलिया बता सकते हो, जैसे कद, वजन, रंग रूप या और कुछ? सच कहूं तो मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल से वो मध्यम कद का था। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं, जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मैं जमीन पे गिर गया और मैं ज्यादा देख नहीं पाया। पहले वाले को तो नहीं देख पाए, पर जो दूसरा वाला, उसके काले बाल थे, पतला था, लंबा था और उसने ग्रे कलर की लॉन्ग शर्ट पहनी थी, बस इतना ही याद है। मुझे लगता है वो ड्रग्स के नशेड़ी थे। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ऐसा मुमकिन लग रहा है कि ये सब आपके साथ पहले भी हो चुका है? शायद उन लोगों की नजर आपके घर और आपकी इस प्रॉपर्टी पर हो। नहीं, हमें इससे पहले कोई समस्या नहीं हुई। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई छोटे बच्चे की शरारत हो।
हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। आपकी कहने का मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में ऐसा ही होता है। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। उस कमीने ने मुझे बुढ़िया कहा और क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो? हम मर्दों को बात करने दोगी? जी सर, मुझे नहीं लगता बुढ़िया तुम्हारे बताने से हमें कोई मदद मिलेगी। इन लोगों को अपना काम करने दो। थैंक यू। देखिए सर, आप लोगों ने हमें अधूरी जानकारी दी है, उससे हमें उन कमीनों को पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी। हम किसी को ऐसे ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पर हम इस जगह पे आज रात राउंड लगाते रहेंगे और अगर हमें कोई भी शक करने जैसा मिला तो हम उससे सवाल जवाब करेंगे। थैंक यू ऑफिसर। मुझे लगता है आप लोगों को और ध्यान से उनके बारे में सोचना चाहिए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। अगर हमें कुछ भी मिला तो हम आपको किसी भी सवाल करने के लिए बुलाएंगे। थैंक यू ऑफिसर, फिलहाल अभी हम ठीक हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुम घर में जाके अपने बकवास बंद करोगी? तुम्हें हमेशा मेरी बात बकवास ही लगती है। अपना मुंह बंद करो। उस खड़ूस ने मुझे उकसाया तो मैं क्या करता? बताओ क्या करता? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी बात मान के गलती की है। तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। शिट, शिट, वो आ गए। गए क्या? बिल्कुल सामने। हाँ, चुप रहोगे? शिट, हमें निकलना चाहिए। मेरी तो पैंट ही गीली हो गई। धीरे बोलो, अब धुलना पड़ेगा। हमें कुछ घंटों के लिए नहीं रुकना होगा। मुझे नहीं पता उस बुढ़िया ने जैसा कहा था, क्या तुमने उस रस्सी को देखा था? मुझे लगता है कि उन्हें तीर और धनुष रखना चाहिए। उसके हिसाब से तो हम उन्हें पकड़ चुके। कहीं मेरी शादी ऐसी बेचारी से हो जाएगी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। हाँ, वो एक नंबर की खड़ूस थी। सुनो, मैं जरा गाड़ी रोक कर घर पर फोन कर लेता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा और राउंड मार लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मिलने वाले हैं। देखते हैं बच्चे पूरी रात कहाँ भागते हैं। तुमने तो मुझे आज बॉक्सर ही बना दिया। तुम्हें क्या लगता है उसकी जगह मैं लेटा होता? हमारी वाट लग चुकी है, तुम्हें पता है। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो तुम्हारी बात मानी। क्या कहा? तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से इसलिए निकाला ताकि तुम लाइफ को जियो, मजे करो, पर तुम वही बोरिंग जिंदगी जीना चाहते हो। अब तुम मेरे साथ कभी भी मत आना। हाँ हाँ, तुम बड़े सलमान खान हो, इसीलिए तुमने उस बूढ़े आदमी को मारा और गालियां दी। भाड़ में जाओ। हे, क्या समझते हो अपने आप को? दिस इज नॉट फनी। अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। जब तुम अंदर थे तो तुम बिल्कुल अलग थे। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मुझे तुम्हारे लेटर्स के बारे में सब कुछ पता है। सैम ने मुझे सब कुछ बताया था और मुझे याद करने दो, तुम एक नंबर के कायर हो। ऐसी कहां जा रहे हो? देख, फिर से करना है, ये मेरा फेवरेट है। रात को लाइट्स बंद होने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने का सोचता हूँ। मुझे खुशबू आती है तुम्हारे बालों की जैसे तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। शेट लाइक दिस। हां, रुक जाओ यहां, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुझे धक्का मत देना। तुम्हें पता है वो तुम्हें क्यों छोड़ना चाहती है? हाँ, वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करती है, यही एक रीजन है। तुमने आज तक उसे कभी खुश नहीं रखा, तुम्हें पता है। तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से कोई और आदमी हो, है ना? या शायद औरत।
हमें माफ करना, हम यूनिफॉर्म में चले आए। कोई बात नहीं, बैठिए। चलो चल कर देखते हैं। हाँ जरूर। क्या मुझे थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? अभी भिजवाता हूँ। ओके ठीक है। यहाँ सब घर जैसा मिलता है। मुझे अपने घर की याद आ रही है। घर की याद पुलिस वालों को नहीं होती। वैसे हम किसके पीछे भाग रहे हैं जिसे हम जानते भी नहीं? क्या तुम चोरों से मिले हो? हाँ वो ठीक है, उसे देखकर पता नहीं मुझे डर लगता है। पता नहीं वो कब मुझसे दूर हो जाए। और ये तो आजकल होता ही रहता है। ना तुम्हें पता भी नहीं है असल में क्या हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं पता। हमें भी किसी को पकड़कर जेल में डाला। आज एक बुढ़िया ने हमारे सारे बाल नोच दिए। मैं इस आदमी को पकड़कर सुपरमैन बन जाऊंगा, पर ये मेरा नहीं जैब का सोचना है। उसने हमें बेवकूफ बना के रख दिया। अब जरा हल्का सा पैक मार के कूल हो जाओ। सही कहा, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। हाँ है, तुम्हें कुछ चाहिए? सर एक्सक्यूज मी सर। ए लड़के सुनो जरा, तुमने उसे जान से मार दिया।
और वो एक पुलिस वाला था। मैं जानता हूँ। उसे भूल जाओ, हमारी वाट लग चुकी है हम दोनों की। पॉल, नो, जस्ट शट अप फॉर अ सेकंड, मुझे सोचने दो। कंट्रोल रूम से मैसेज है, आप लोगों को नॉर्थ साइड पे जाना है। ऑल राइट, ये मुझे दो। ओके, आप मेरी बात सुनो। देखो बार, जब तुम बार में गए थे तुमने कुछ कहा वहां किसी से? नो। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैंने शराब नहीं पी। ओके, तुमने क्या किसी से बात की थी या किसी से कुछ कहा हो? नहीं, मैं वहां गया और वापस आया। तो मुझे लगता है हम दोनों सेफ हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर हो भी सकता है। ओके, शुरुआत अच्छी है। ऑल राइट, क्या कोई भी था उस बाथरूम में? नहीं, वहां मैं पहले गया था। क्या मतलब है तुम पहले नहीं थे? वो कमोन जिम, बताओ मुझे सच्चाई क्या है। तो वहां आया था। ओके, तो कोई अंदर आया तो क्या उसने तुम्हें देखा? नहीं यार, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता ये सब कैसे देख सकता था? ऑल राइट, तो तुम्हें किसी ने नहीं देखा? नहीं, कोई नहीं था, ये नामुमकिन है। ओके, ऑल राइट, मैं तुम्हें बताता हूं हमें क्या करना है। कोई भी तुम्हें कुछ भी पूछे तो तुम कहना तुम पूरी रात सो रहे थे। कह देना तुम्हारी तबीयत खराब थी। मैं कह दूंगा मुझे ठंड लग रही थी। ठीक है, देखने दो मुझे, सोचने दो। ऑल राइट, तुम्हारा शर्ट निकालो और उसे उल्टा पहन लो, जल्दी। मेरी तरफ देखो, अपने चेहरे से खून साफ करो। ओके, देखने दो मुझे। ऑल राइट, अब जब तुम घर पहुंचो तुम ये शर्ट को फेंक दो, ठीक है? जला दो, गाड़ दो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम इसे ठिकाने लगा दोगे तो ये चला जाएगा, ठीक है? और तुम अपने कचरे में इसे मत फेंकना। तुम्हारी शर्ट पर भी खून है। तुम उसके बारे में मत सोचो, मैं उसका ख्याल रख सकता हूं। चलो यहां से निकलते हैं, पहले आओ। सुनो पॉल, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें एक ही कहानी सबको बतानी होगी। ऑलराइट, तुम किस बारे में श्योर नहीं हो? कहीं किसी ने मुझे देख ना लिया हो, इससे हो सकता है कि वो मुझे पहचान ना ले। देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी शक्ल किसी ने भी देखी है, तो हम सबको वही स्टोरी बताएंगे और दुआ करेंगे किसी ने नहीं। पर अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं? मेरा मतलब है थोड़ी सी लापरवाही सब खत्म कर सकती है। देखो जिम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें ही टैकल करना पड़ेगा। हाँ। और अगर तुमसे फिर भी किसी ने कुछ पूछा तो तुम सिर्फ शांत रहना और वही स्टोरी बताना जो हमने डिसाइड किया है, ठीक है? अगर तुमने वही कहा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें और कुछ पूछना है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, तुम कल रात को क्या कर रहे थे? मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। घर पे? हाँ। ठीक है, तुम पॉल जॉनसन को जानते हो? हाँ, पर कल रात मैंने उसे नहीं देखा। देखो जिम, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मैं तुमसे कल रात को मिला था, तुम्हें उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जो मैं पूछूं। हाँ, मैं ध्यान रखूं। तो ध्यान दो जो सवाल मैं पूछूं उस पे, ठीक है? तुम पॉल जॉनसन को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। कैसे? हम साथ बड़े हुए और मैं उसके साथ काम करता था। आखिरी बार उससे बात कब हुई थी? काफी दिन हो चुके हैं, शायद मंगलवार या बुधवार को। अगर कल तुम्हारी तबीयत खराब थी तो क्या तुम पूरी रात बेड पे थे? हाँ, मुझे ठंडी लग रही थी। मेरी माँ और बहन का फोन भी आया पर मैं कॉल नहीं ले पाया। ओके,
गुड, तुम ठीक कह रहे हो। सिर्फ शांत रहो और सही जवाब दो। पर अगर कुछ हुआ तो? मुझे नहीं पता, नहीं पता। पर ध्यान रखूंगा, मैं अकेला था वहां, सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं। मैं कदर करता हूं तुम्हारी सोच के, मगर दुआ करो ये नौबत ना आए, समझे? हाँ, कोई नहीं। और सुनो, मैंने पहले जो भी बकवास करी मैं उसके लिए सॉरी हूं, लेटर्स और हाँ। जो भी, मैं बेवकूफ था, भूल जाओ। बकवास था वो, उसे भूल जाओ, मैंने रात बर्बाद कर दी, मैं बेवकूफ हूं। चलो ठीक है, इस रात के बाद हम लोग ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लगता कोई ये सुनने में दिलचस्पी भी रखता हो। पर मुझे एक डाउट है, मैं अभी अपने घर जा रहा हूं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। हे जिम। हाँ? याद रखना, कपड़ों को ठिकाने लगाना है। ओके। सब ठीक हो जाएगा, सो जाओ जाके। तुम भी। ए सुनो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही
नींद लग गई थी। तुम्हारे बैग में क्या है? इस बैग में? हाँ यही बैग में। मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और यहीं सो गया। हाँ मुझे दे दो। मैं बस ऐसे ही। तुम्हें पता नहीं ये फैमिली पार्क है? मेरे बच्चे इस पार्क में खेलते हैं। तुम्हें पता नहीं पब्लिक प्लेस पर शराब पीना गुनाह है? तुम्हारी शादी हुई क्या? तुम्हारा कोई बच्चा है? नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे परिवार के सामने कोई बेंच पर दारू पिए? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे पास कोई आईडी है? हाँ शायद है। या ड्राइविंग लाइसेंस हो? मेरे पास नहीं है। शायद मैंने घुमा दिया। हाँ मुझे याद है मैंने घुमा दिया और नए के लिए अप्लाई किया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पॉल जॉनसन है। तुम कहाँ रहते हो? वेस्टर्न ड्राइव। मेरी बात सुनो, जल्दी से अपने घर चले जाओ। ठीक है। अगर हम दोबारा यहाँ आए, तुम्हें देखा तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम हमें कुछ देने लायक हो। क्या तुम जेल में जाना चाहते हो? मुझे नहीं जाना है जेल। तो सीधे अपने घर चले जाओ। यस सर, ठीक है। हेलो सर। हाय। मैं हूँ शंता फ्रेडरिक। मैं न्यू ईयर पर गरीब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। तुम बेच रही हो कुकीज? यस सर। यूनिफॉर्म के लिए? तुमने अब तक कितनी बेच दी? मैंने अभी शुरू किया है। मेरे पास बहुत अच्छी कुकीज है। 300 रुपए में पूरा बॉक्स। 300 रुपए में पूरा बॉक्स? जी सर। ओके वेल, क्या क्या है तुम्हारे पास?
ये रही मेरे पास चोको चिप्स, वैनिला है और बोंगो ब्लास्ट भी है। ओके, मुझे लगता है मैं लूंगा बोंगो ब्लास्ट, ये अच्छा लग रहा है। तो ये 300 रुपए में बॉक्स है। मुझे अंदर से और पैसे लाने होंगे। ओके ओके, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है फिलहाल। I'm sorry। अभी आप बॉक्स ले लीजिए, मैं पैसे लेने बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, थैंक यू, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, क्या तुम कल आ सकती हो? मैं कल खरीद लूंगा, ठीक है? ओके, कल मैं वापस आ जाऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय बाय हनी। बाय। हे जिम, क्या चल रहा है? पॉल, काफी दिनों से तुम्हें नहीं देखा। हाँ, वो तो हो गए बहुत ज्यादा। तो सारी चीजें कैसी चल रही है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। सुनो, यहाँ आने से पहले कॉल कर दिया करो। क्या, मैं अपने दोस्त के घर पे बगैर कॉल करे नहीं आ सकता? ओके, मैं नेक्स्ट टाइम कॉल करके आऊँगा। तो जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम? समंता क्रिस्टीन के साथ वक्त बिता रहा हूँ। कम ऑन यार, तुम उन्हें रोज देखते हो। देखते हैं तुम और मैं, हम दोनों कहीं से शहद चुरा के लाते हैं। कैसा लग रहा है मेरा आइडिया? मैं परिवार के साथ हूँ। ऑल राइट, ठीक है, शहद को भूल जाओ। ऑल राइट, हे तुम्हें पता है, जाकर पूरी फैमिली को बुला लो, हम लोग लंच पे जाते हैं पूरी गैंग। वो मेरी ट्रीट होगी, रियली हम लोग मस्ती करेंगे। और छोटी क्रिस्टीन से जाके कहो कि अंकल पॉल मिलने आए हैं। और ये भी कहो कि मैं उससे कब से मिलना चाह रहा था। तुम्हें तो पता ये सब कैसे है। पॉल, जाओ जाओ बुलाओ उन्हें। क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? कम ऑन यार, बुलाओ उन्हें, मजा आएगा। मेरी बात सुनो। जाओ जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। सुनो अभी पॉल। क्या हुआ, क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों चले आते हो? क्या बात कर रहे हो, मैं सबके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। पॉल, तुम नहीं आ सकते, क्रिस्टीन के साथ बिल्कुल नहीं। इस तरह तुम्हारा मतलब क्या है जिम? तुम यहाँ शराब पीकर नहीं आ सकते और मैं कहीं जाने वाला। एक मिनट, मेरी शराब के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर में आके शराब पी सकता हूँ। वो सही था, तब तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया।
नहीं 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 नहीं, ये वो बात नहीं है। तुम्हें मेरी शराब से नहीं, मुझसे प्रॉब्लम है। मैं कह रहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी तुम्हारा घर है, कुत्ता है, एक अच्छी फैमिली है, तो तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे आसपास भी रहूं, है ना? क्योंकि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है। तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? भूल गया क्या? भूल सकते हो क्या? कोई तुम्हारे सामने देखने को तैयार नहीं था। मैंने तुम्हें जॉब दिया, हर चीज में हेल्प की, और अब तुम मुझे तुम्हारे घर में आने से रोक रहे हो। मैं उसकी कदर करता हूँ। उस वक्त तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सब तुम्हारे बारे में था। और मैं क्या करता हूँ? सब कुछ भूल चुके हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। मैंने कुछ नहीं कहा था तुमसे, ठीक है? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। जबान संभाल कर बात करना, ये साबित मत करो कि मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने एक बार किया तुम्हारे लिए, मैं अब तुम्हारे लिए किसी और के लिए नहीं जीऊंगा। मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए तुम्हारे लिए और तुम्हारे कहने पर। उस रात तुम भी वहाँ थे, पर इस बार मैं वहाँ नहीं था। भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है सारी गलतियाँ मेरी थी? सुन लो, अब तुम मेरे घर ऐसे नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। तो तुम अभी घर जाओ। किस लिए? हाँ, क्यों मैं जाऊँ? मैं घर पे क्यों जाऊँ? मैं घर पे हाँ हाँ ये बहुत अजीब है, तुम्हें पता है, बहुत ही अजीब। मुझे लगा जैसे जैसे कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, जैसे जैसे मैं कोई कचरा हूं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा? मैंने तुम्हारा काफी वक्त ले लिया, चलता हूं। मैं आवारा की तरह घूमता रहा और इसी डर में जीता रहा कि कहीं वो लोग मुझे ढूंढ न ले। मुझे नहीं पता तुम पर क्या बीती। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल दौर था क्योंकि वो तुम्हारे भी पीछे थे। पर जब मैंने अगले दिन पेपर में पढ़ा, मुझे विश्वास नहीं हुआ और तब सब खत्म हो गया था। मैंने बचपना किया, बहुत बड़ा बचपना। मैं यही सोचता था कि इसके बारे में मुझे सामंता से बात करनी चाहिए, पर इस बकवास के बारे में मैं उससे क्या कहता। पर वो मेरे साथ रही। और अब मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं। नहीं कर सकता। सुनो, क्या तुम्हें वो मिली? नहीं किया। मुझे पूरी कहानी बताओ। सिर्फ मुझे डर लगता है, हजारों बार सोच चुका हूं। उसे हासिल करो। मैंने हासिल कर लिया, इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें मिली, कह सकते हो। इस बारे में मदद के लिए तुम कभी भी यहां आ सकते हो। नहीं, मैं भी, मुझे भी चाहिए अपनी एक फैमिली।
क्रिस्टीन बड़ी हो गई है। हाँ वो है। ग्रेट। सुनो पॉल, उसे हासिल करो, जाओ उससे जो कहना है कह दो। इंसान सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही अपने अतीत को याद करता है। कभी कभी एक मजाक इंसान को जिंदगी के दो राहों पर खड़ा कर देता है। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है, मगर मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा। वो आदमी यहां की जगह अच्छी तरह से रखे हैं। मैं बताना भूल गया, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे पास है, मुझे नहीं पता मेरे पास। मुझे लगा शायद तुम्हें, और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
this movie is encoded by Dr. Star. Fire.